वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसे अंकल जी के पास जो इतनी ज़्यादा एज में भी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे आ जाते हैं और शाम के 5 बजे तक। ये देखिए आप, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये अंकल जी ये सुबह 8:30 बजे आते हैं और शाम के 5 बजे तक यहाँ पर चावल लगाते हैं। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? कवलजीत सिंह। क्या जी? कवलजीत सिंह। कवलजीत सिंह, अंकल जी का नाम कवलजीत सिंह है। और अंकल जी, मतलब क्या आपके पास क्या क्या सामान है आज खाने के लिए? कढ़ी चावल, राजमा चावल, रोटी। इनके पास कढ़ी चावल, राजमा चावल और रोटी है। मतलब आप चावल के साथ चावल भी ले सकते हो, रोटी भी ले सकते हो, सब्जी इनके पास राजमा एंड कढ़ी है। तो अंकल जी, और कैसे आप इतनी एज में भी कैसे काम कर रहे हो आप? मजबूरी है जी। मजबूरी क्यों, क्या मजबूरी हो गई? दामाद को लगा के दिया था, वो भाग गया। अच्छा, दामाद को आपने लगा के दिया था? पहले दामाद लगाते थे, तो अब फिर अब आप लगा रहे हैं? अब लड़की के लिए किराया भाड़ा तो निकालना ना, किराए पे रहते, दो बच्चे हैं। अच्छा, तो अंकल जी देखो, अपनी 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 डॉटर के लिए सारा काम कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अंकल जी का कि अंकल जी इतनी भी एज में। क्या एज रही होगी अंकल जी आपकी? 66। देखो भैया, 66 की एज में भी अंकल जी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सुबह कितने बजे आते हैं अंकल? सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे आते हैं और शाम के 5 बजे तक? 5 बजे, 5:30 बजे। कोशिश ये होती है कि माल खत्म हो जाए। कोशिश यही है कि अंकल जी अपना माल जल्द से जल्द खत्म करके अपना जो भी बना के। तो अंकल जी, ये क्या घर से बना के लेकर आते हैं? घर से आप खुद बनाते हैं? नहीं, वो बिटिया बनाती है। अच्छा, तो इनकी बिटिया ही बनाती है खाना सब कुछ। तो हम आपको दिखाते हैं अंकल जी, दिखाएंगे आप ये क्या क्या? इसमें चावल है और इसमें राजमा है। ये देखो, घर के राजमा कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही। और ये भाई, ये आगे आपकी कढ़ी पकौड़ा है, ये देखने में इतने डिलीशियस है। तो रोटी अंकल जी आप खुद बनाते हैं यहाँ पे? बच्ची बना के लाती है। अच्छा, बच्ची बना के घर से लेकर आती है? घर से सब कुछ। अंकल, इनकी गुड़िया है, इनकी बेटी है, जो घर से ही रोटी बना के लाती है। बाकी ये सारा सामान इनकी बेटी ने घर से बना के दिया है। गाइज, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अंकल जी को, मतलब इतना ये वीडियो हमारी शेयर करें। तो लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ गाइज, लोकेशन ये सामने जनकपुरी है और ये वाला एरिया पड़ता है सीआरपी कैंप। ये दिल्ली का सीआरपी कैंप है और ये आप रोड देखोगे, ये पूरा आउटर रिंग रोड है, ये आउटर रिंग रोड पड़ता है। सो यहाँ पर ये अंकल जी सीआरपी कैंप के बाहर अंकल जी बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अंकल जी चलो टेस्ट करा दो आप, एक राजमा चावल और एक कढ़ी चावल, दोनों ही प्लेटिंग कर दो आप, ठीक है? आपके टेस्ट करते हैं गाइस। सब कुछ घर से बना के लाए हैं अंकल जी, देखो कुछ भी मतलब ये नहीं है। मैं अपने व्यूअर से, अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी अंकल जी की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंकल जी के आके टेस्टिंग करें आप। प्राइस मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है बाहर, ये देखिए, ये कढ़ी चावल ये 20 और 30 प्राइस है, एंड राजमा चावल और ये दाल और छोले, ये मतलब अल्टरनेट डेज पे वीक में एक दिन बना देते हैं, क्योंकि ये अंकल बोल रहे हैं ज़्यादा चलते नहीं हैं, मतलब ज़्यादा लोग राजमा और कढ़ी को ही प्रेफर करते हैं। तो एक दिन दाल और एक दिन छोले वीक में एक दिन ले आते हैं। बाकी आप रोटी भी ले सकते हैं। तो लेते हैं अपनी प्लेट और करते हैं टेस्टिंग। ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। आपने क्या लेना है? ये लग गए, ये हमारे नहीं। अच्छा, ओके सॉरी। हमारे अंकल जी एक राजमा और एक कढ़ी चावल दोनों लगा दो आप, ठीक है ना? तो गाइज टेस्टिंग, ये हमारी प्लेटिंग कर रहे हैं अंकल जी। तो अंकल जी पहले क्या करते थे? कुछ करते थे आप? मैं जी, मेरी गाड़ियाँ थी। अच्छा, गाड़ी मतलब गाड़ी आपकी चलवाते हो? गाड़ियाँ नहीं, गाड़ियाँ एक मैं खुद चलाता था, एक मैं ड्राइवर चलाता था। अच्छा। राजा गार्डन पत्थर मार्केट में। गाइस, अंकल जी की गाड़ियाँ हैं दो, जो एक खुद चलाते हैं। अच्छा, आप बेच दिया? तो अच्छा, आप मतलब ये काम के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में बिक गई अंकल जी? नहीं जी, अपने पहले ही बेच दी। पहले ही बेच दी थी? चलो कोई नहीं अंकल जी, आपको इससे ही काम से सक्सेस मिले, आपके
बड़ी सी शॉप खुले, मैं यही आपके लिए प्रेयर करूँगी। हाँ जी। और ये हमारी प्लेटिंग लग रही है, ये देखो राजमा चावल लग चुके हैं हमारे, ये ढल गए हैं प्याज, ये हमारे हो गए राजमा चावल। तो अंकल एक कढ़ी लगा रहे हैं, ये है हमारे, ये ढल गया पकोड़े के साथ कढ़ी। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही घर का खाना, तो यार घर का ही खाना होता है। एक मिनट, हम करते हैं अपनी टेस्टिंग राजमा की, पहले अपने राजमा चावल से। ये देखो आपको राजमा चावल, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है। सीरियसली बहुत अच्छे बनाए हैं इनकी डॉटर ने बनाया, वाकई में बहुत टेस्टी है। राजमा देखो आपको पूरे दिख गया, धनिया प्याज सब डाला हुआ है प्रॉपर, पूरा घर वाला टेस्ट है। तो ये है हमारे कढ़ी चावल, ये हमारा पकोड़ा, वाकई में बहुत अच्छे हैं यार। अंकल जी की मेहनत नज़र आ रही है, इनकी बिटिया की, अंकल जी की, सबकी मेहनत नज़र आ रही है। तो गाइस मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंकल जी के लिए थोड़े से लाइक करें और शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस अंकल जी के लिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अंकल जी के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।